का सीधा झारखंड से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान शायर बहुत ही अदब के साथ सईद एहसन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाए। कि मुसलमान सिख में हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब है जिंदा हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जी भाई, जी भाई, पेश करें। अर्ज किया है एक मतला एक शेर अपनी जात के हवाले से कि तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूँ, तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूँ, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूँ। क्या बात है। तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूँ, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूँ, निकला हूँ मगर ज्यादा सफर साथ नहीं है, निकला हूँ मगर ज्यादा सफर साथ नहीं है, मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूँ, मैं बुजुर्गों की दुआ लेके तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूँ, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूँ, निकला हूँ मगर ज्यादा सफर साथ नहीं है, मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूँ। एक मतला एक शेर, तमाम मौजूद शख्सियतें मौजूद हैं, बाबा साहब शेर सुनिएगा। अर्ज किया है कि बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं, बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं, बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं, फलक छोड़ो मियां ये तो कहीं पर बैठ जाते हैं, क्या बिठाओ जिस जगह इनको वहीं पर बैठ जाते हैं, फलक छोड़ो मियां ये तो कहीं पर बैठ जाते हैं, मेरी अपनी जमीन उस दम फलक मालूम होती है, मेरी अपनी जमीन उस दम फलक मालूम होती है, सितारे आसमां के जब जमीन पर बैठ जाते हैं, मेरी अपनी जमीन उस दम फलक मालूम होती है, सितारे आसमां के जब जमीन पर बैठ जाते हैं, सितारे आसमां के जब जमीन पर बैठ जाते हैं। और बाबा साहब की नज़्म, चार मिसरे आपकी नज़्म करता हूं। अर्ज किया है कि मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, मिसाली जिंदगी, मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है, वाह वाह वाह, मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है, वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको, वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको, ये वो कतरा है जो कितने समंदर पीके बैठा है, क्या बात, ये वो कतरा है जो कितने, वाह 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 वाह, मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है, वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको, ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है, ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है। एक मतला एक शेर, पूरे हिंदुस्तान में इस शेर को पसंद किया गया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसे उसी अंदाज में सुनेंगे। अर्ज किया है कि हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो, हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हराम पैसों से, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो, हराम पैसों से परहेज करे, क्या शायरी है भाई, वाह वाह, पैसों से परहेज, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, शफी काफी साहब की जानिब से इस्तकबाल, बाबा की जानिब से इस्तकबाल, मेहमान की जानिब से इकबाल, और सामने को समाप्त करते हुए शोरा इकराम से गुजार है कि आपकी मौजूदगी में इतनी अच्छी शायरी सुनी जा रही है, वाह 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 वाह, हसन साहब पेश करें दोबारा, दोबारा पेश करें, वाह वाह वाह, कि हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। और चार मिसरे देखिएगा, एक और पैगाम लीजिए भाई, अर्ज किया है, हाँ गया आपका, कि सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले,
न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। क्या बात है, सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। क्या बात है, पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। भूल सकते हैं सफर लंबा सही लेकिन सफर लंबा सही इस्तेमाल कर रहे। वाह वाह, दो को तालियों का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर तर्जुमानी है दिलों की, जज्बात की, एहसास की तर्जुमानी है। मोहतरम सईद अहसन साहब झारखंड, चले आओ दूर तक जहाँ रोशनी मालूम है। लगाइए लगाइए भूमि कहाँ लगाइए। दो को तालियों का इस्तेमाल कीजिए, यही एक चीज रह गई। आइए आइए भाई आइए, आपका घर बता। बस में मुस्तफा की जानिब से सईद अहसन साहब का इस्तेमाल। इतना फूल हार डाल दीजिए कि आज ये दो टुकड़े हो जाए दोस्तों। उर्दू की मोहब्बत बाद में मुस्तफा की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है, बाद में उर्दू की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। अर्ज किया है दोस्तों, एक एक बार ताली बजाकर इजाजत दीजिए। एक बार ताली बजा, बहुत अच्छी बहुत है। लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। और चार मिसरे बाबा जी, चार मिसरे समाज फरमाए कि अमूमन अखबार में देखने या सुनने को मिलता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को चला जाना चाहिए। और उसी हवाले से चार मिसरे देखिएगा कि जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। शफीक भाई, जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में। सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। जिंदाबाद। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में, सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। दोस्तों, बड़ी तवील फहरिस्त है, इंशाल्लाह फिर कभी। अल्लाह हाफिज। सईद अहसन साहब माइक पर चंद शेर और सुना दीजिएगा, नवाजिश होगी। सामिन का इसरार है, सामिन की तमन्नाएं। अर्ज किया है कि विरासत है हमारी और उसे अब हम बनाते हैं। विरासत है हमारी और उसे अब हम बनाते हैं। अभी तक हम सुकून और चैन का परचम बनाते हैं। विरासत है हमारी और उसे अब हम बनाते हैं। अभी तक हम सुकून और अमन का परचम बनाते हैं। यही कुछ लोग हैं मसरूफ एटम बम बनाने में। और यही कुछ लोग हैं जो जख्म का मरहम बनाते हैं। और आपने माँ के ऊपर बहुत शेर सुना होगा कि हर शायर आता है, खड़ा हो जाता है और माँ पे शेर पढ़ता है। चार मिसरे इस हवाले से देखें कि चांद सूरज और तारे कहकशां देने लगे। चांद सूरज और तारे कहकशां देने लगे। जो जमीन वाले नहीं है आसमां देने लगे। चांद सूरज और तारे कहकशां देने लगे। जो जमीन वाले नहीं है आसमां देने लगे। और जिसने ममता को दर बदर रखा सदा, ऐसे वैसे माँ की अजमत पर बयां देने लगे। ये है महबूबियत की अलामत। सही बहसन का ध्यान कर सकते हैं। चार मिसरे के वाकिफ है हर एक बात से अनजान कहाँ है। वाकिफ है हर एक बात से अनजान कहाँ है। ये जहन का गुलजार भी वीरान कहाँ है।
वाकिफ है हर एक बात से अनजान कहाँ है, ये जहन का गुलजार भी वीरान कहाँ है, भगवान की शैतान की पहचान है सबको, भगवान की शैतान की पहचान है सबको, इंसान को इंसान की पहचान कहाँ है।